से हम पले पुसे हैं, ये हमारी जलम भूमि है जो लगा हुआ है इस समय। अच्छा, बरसात करके स्वच्छ भारत मिशन में ना इनको वो उसमें मना इनाम वगैरह मिल सकते हैं। मतलब जो है तुम्हें 17 साल हो गए, 17 साल जो है इसके लिए कुर्बानी कुर्बानी दो बिल्कुल। कुर्बानी के में हमारा देश कैसे उठेगा, जो बच्चा मना कर रहा है कि मैं अपने गढ़वाल नहीं जाऊंगा, अपने माँ बाबाओं की भूमि में जाऊंगा। बरात आगे आगे आने वाले भविष्य के जो नेतर खुल जाएंगे, गंदगी फैलाने आते हैं और सफाई वो अकेले करते हैं। तो हमारे दादा परदादा रहे होंगे शायद, उन्होंने लगाया होगा, कई पीढ़ी हो गई है। ये पेड़ आप देख सकते हैं 300 साल पुराना तो ये लगभग होगा। हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आई होप कि आप लोग सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे, और जो टाइम निकाल के आप मेरी वीडियो देखते हो ना, तो तहे दिल से आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है, मेरी वाइफ जा रखी है आजकल गाँव, तो मैं दिल्ली आया था आंसू का एडमिशन कराने के लिए। उसके बाद एडमिशन कराने के बाद यहाँ पे बच्चे पढ़ाई करते हैं और थोड़ा बहुत घर का काम करना पड़ता है। तो आज दिन में मैंने बनाया खाना, जो खाना मैंने बनाया तो आप देख सकते हैं। दिन में बनाई हमने राजमा की दाल और राइस, और साथ में गांव की आप देख सकते हैं ककड़ी, और मैंने राजमा और गांव के बट की दाल बनाई है आज दिन में। कितना बढ़िया यहाँ पे काम चल रहा है। शायद अगर भाई साहब सही माने में ये लोग जो ना इनका कुछ आगे वो करे ना कि भाई ये कितनी मतलब सफाई का ध्यान रखते हैं। वो तो मैंने बताया था एक ब्लॉग में, एकदम निस्वार्थ करते हैं, मतलब किसी को निस्वार्थ करते हैं। और स्वच्छ भारत मिशन में ना इनको वो उसमें मतलब इनाम वगैरह मिल सकता है। अच्छा, ये तो देना चाहिए तुम्हें, इनका इतनी मेहनत करने में। ये चाची हमारे यही करते हैं। चाची कुछ बताओगे इसके बारे में, आप क्या क्या करते हो यहाँ पे? निस्वार्थ, बिल्कुल निस्वार्थ। तो चाचा जी हमारे यहाँ पे बिल्कुल साफ सफाई यही करते हैं यहाँ पे, झाड़ो झूड़ो जो भी है बिल्कुल निस्वार्थ करते हैं। 2004 कहाँ के थे, 2004 से लगे हुए हम झाड़ो पोछा करने। अच्छा, मतलब 2004 से मीन्स मतलब जो है तुम्हें 17 साल हो गए। 17 साल से लगातार यहाँ पे सेवा दे रही है अपने, वो भी बिल्कुल निस्वार्थ निस्वार्थ, और प्रभु की सेवा में लगे हुए हैं। क्योंकि शिव मंदिर है तो पूजा पाठ जो भी हवन वगैरह, हवन भी तो करते हैं ना, कुंडी इन्होंने तो बना रखी है, कुंडी बनी है, हवन कुंडी है, इसकी लिपाई पुताई जो भी करते हैं ये सब वही करते हैं। कुछ बोलना चाहोगे हमारे व्यूअर्स को आप?
अच्छा जी हाँ, कुछ बोलना चाहोगे? मैं यही बोलूँ कि सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए, कोई भी हो, घर के अंदर हर सब उसके अंदर यही भावना होना चाहिए कि कोई गंदगी करो उसे समझदार हो। अरे भैया ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा चलेगा बिल्कुल ठीक है। अपना गांव जो है, अपना नाम जो है, बदनाम मत करो, बस सही बात है। अब दूसरा गंदगी फैलाए हुआ हो तो उसे भी टोको, नहीं उसे भी बोलो भाई ऐसा क्यों कर रहा, चाहे घर का क्यों नहीं है, बिल्कुल घर का क्यों, उसे भी अड़ा हो गया, ऐसा नहीं वो चलेगा भाई, ऐसा चलेगा बिल्कुल ठीक। और अपना जो है देश को जो है, देश के लिए कुर्बानी दो बिल्कुल, कुर्बानी के लिए हमारा देश कैसे उठेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही, आज हमारा देश भूसा हुआ था, क्या भूसा हुआ था, क्योंकि हम आज जागृत नहीं थे, अब जागृत हैं ठीक, मोदी के सानिध्य में हम अपने देश के लिए हर चीज के जो है मनी योजना लाएंगे, और अपना देश को जो है सजा के रखेंगे जैसे दुल्हन को सजाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जब एक दूसरे का साथ होगा तभी, जब एक दूसरे का जो है छाया माया मिलेगी, बिल्कुल संभव हो पाएगा, तभी तुम्हारे जो है जो 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 बच्चा मना कर रहा कि मैं अपने गढ़वाल नहीं जाऊंगा, अपने माँ बापों की भूमि में ही जाऊंगा, वो भी जरूर वो आएगा, जरूर आएगा, क्योंकि उसका जब उसको हर चीज की फैसिलिटी मिल जाएगी तो क्यों नहीं दौड़ के आएगा वो। बिल्कुल 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 सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो। जैसे हम ब्याह शादी करें तो अपने देश में करें, अपने बहू बेटे अपना जो है देश को जो है अपनी जन्मभूमि जो पूजे बाहर को चढ़ा दे, हम सही बात है, अपने गांव में आओ यहाँ करो शादी ब्याह, यहाँ अपना जो पैसा खर्च करना है यहाँ करो, मानी हर चीज की फैसिलिटी है, गाड़ी लगी हुई, सड़क आई, लाइट आई, पानी आया, क्या चीज नहीं है आप, नहीं यार पता क्या है जैसे लोग दूसरी बात क्या है, एक एक जो है बारात बारात घर बड़ा हो जा रहा है, जहाँ जो है आदमी का जो है सब वहाँ जो है खान पान से हर चीज का जो है उसे होना चाहिए कि यहाँ पे कोई भी आदमी इसमें आके शादी कर सकता है, एकदम बड़ा सा बना दो, किसी को भी ग्राम सभा की कोई भी वहाँ शादी कर सकता है, अगर पैसा लगा रहा है तो उसका ब्याज जो है आता रहेगा, बिल्कुल बिल्कुल आगे चलता रहेगा, मेंटेनेंस के लिए बिल्कुल, आगे आने वाले भविष्य के जो नेत्र खुल जाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल बोले हाँ यार ये जो हमारा देश हमारे माँ बाप इस जल से हम पले पुसे है, ये हमारी जन्म भूमि है ठीक, बिल्कुल हमें यहाँ पे जो है झुकना जरूर चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल सिर उठा के नहीं आना चाहिए, हमें कदर करनी चाहिए एक दूसरे की, तब तो हमारा देश जो है जागृत होगा। अब आप कुछ बोलना चाहोगे? नहीं मैं तो उन्हीं की बातों में सहमति रखता हूँ कि भाई मतलब सफाई का लोगों को विशेष ध्यान रखना चाहिए, और खास करके पता जब हर आदमी अपने माइंड में ये सोच के नहीं चलेगा ना सफाई के बारे में कि हम जो भी रास्ते में फेंक रहे हैं तो मतलब उसको सही जगह फेंकना चाहिए, मतलब कूड़े को कूड़ेदान में डालो, सही जगह डालो, ऐसे नहीं कि जहाँ मर्जी खाया जहाँ मर्जी फेंका उसे गंदगी फैलती है, बीमारियां आती हैं, ठीक है, तो इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए हर आदमी को, एक आदमी के करने से थोड़ी होगा, वो अकेले लगे रहते हैं, हम सब यहाँ पे गंदगी फैलाने आते हैं और सफाई वो अकेले करते हैं, समझे, तो हमें भी ध्यान रखना चाहिए इस चीज का, सफाई का ध्यान रखें। और वैसे मैं देख रहा हूँ कि अभी लोगों में कुछ सभ्यता आई है, लोग जो ना घर में भी पहले क्या था जैसे कागज के कप और ना चाय पी के ऐसे फेंकते थे, लेकिन अब मैंने देखा कि लोग कम से कम एक कूड़ेदान अपने घर के बाहर रखते हैं और उसमें रखते हैं, उसको बाद में डिस्पोजल करते हैं, ये मैंने देखा मतलब बहुत सारे घरों में कि अब करते हैं लोग, पहले ऐसा आप देखते थे ना शादी ब्याह जिनके घर होता था चारों तरफ कूड़ा बिखरा रहता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है, लोग जागृत मतलब हुए हैं, मतलब कर रहे हैं अब लोग ना, तो उस चीज का ध्यान रखते हैं कि कूड़ा कम से कम एक जगह रखा जाए और उसको ढंग से डिस्पोजल किया जाए। ठीक, अब आप गांव में आए हो तो आपको कैसा महसूस हो रहा है यहाँ पे? ना बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो हरियाली आज की डेट में है ना वो फिर देखने को नहीं मिलती, जितना हरा भरा इस टाइम गाँव में है शायद फिर देखने को नहीं मिलता, बरसात के टाइम पे मिलता है खास करके, तो ये हरियाली हमें इसी के देखने चौमासु, क्या कहते हैं चौमासु, ये चौमासु लगा है, चौमासु लगा हुआ है इस समय, अच्छा बरसात का जो है हमारा जो जन्म भूमि है वो हरियाली है, जहाँ हम नजर फेलेंगे वहाँ हमें जो है हरियाली दिखा देगी, हरियाली हरियाली। इस पानी की कुछ खासियत बताओगे आप चाची? इस पानी में कभी कीड़े नहीं पड़ते, इसको 100 साल तक रख लो, इस पानी की खासियत है इसमें कभी कीड़े नहीं पड़ते, क्योंकि ये पानी मतलब जो है ना ये समझो कि जड़ी बूटियों की जड़ों से आता ही है, तो ये तो अपने आप में एक औषधि है, तो इसमें मतलब कोई कीड़े नहीं पड़ते इस पानी के अंदर, हाँ, और इससे खाना बड़ा हजम होता है और बहुत ही अच्छा, ऐसा पानी ढूंढ के नहीं मिलेगा, गैस भी खत्म हो जाती है, ऐसा पानी कहीं ढूंढ के नहीं मिलेगा, बहुत ही अच्छा, कितना अच्छी जगह है यहाँ पे देखो, मतलब पीपल का पेड़ है, पेड़ भी मेरे ख्याल से
जो हमारे दादा परदादा रहे होंगे शायद उन्होंने लगाया होगा, कई पीढ़ी हो गई है। आप ये पेड़ आप देख सकते हैं कितना बड़ा है ये, और सारे चार पीढ़ी हो चुकी फिर हमारी जो पिछले माँ बाबों की क्रियाकाट होती है हमारा ये इलाका बाग माला जो है 400 साल पुराना पेड़ होगा, 300 साल तो पक्का, 300 साल पुराना तो ये लगभग होगा क्योंकि चार पीढ़ियां तो निकल चुकी है। अच्छा। और ये पेड़ ऐसे के ऐसे ही बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। तो चलो आज का काम तो यहाँ पे समाप्त हो गया है, कल मिलेंगे ठीक है, अभी घर चलते हैं और कल सुबह सभी लोग डब्बे चाहते थे क्या यहाँ पे 365 डिबल 165। अच्छा अरे आप क्या करते हैं? नहीं आप तो पता क्या लोटे से 365 लोटे तो अभी भी कर लेते हैं। तो पानी यहाँ पे बतेरा है तो उतना क्यों नहीं चढ़ाते? कल चलो 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 आ जाना घर आ जाए। नहीं चलता हूँ तब शाम को देखते हैं। राजा ना क्या करेगा? नहीं घर जा रहे हैं, वो बच्चा भी साथ में। और खाना खा के चला जाइए क्या? नहीं कोई बात बनाया घर, गाड़ी छोड़ के आ जाएगा तुम्हारा। छोड़ तो देगा, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ने की तो कोई दिक्कत। वीडियो अच्छी लगी हो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और दोस्तों में हो सके तो शेयर कीजिए। और तब तक रखिए अपना ध्यान, अपने परिवार का ध्यान। तो मिलते हैं कल सुबह आपको 10 बजे। जय भारत, जय उत्तराखंड, नमस्कार।